हेलो एवरीवन, नमस्कार। परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन मिश्रा। दोस्तों, आज हम संविधान के भागों की ओर बढ़ रहे हैं, यानी संविधान के जितने आपके पार्ट्स दिए वो हमारे परीक्षा की दृष्टि से आने वाला जो लोअर आपका एग्जाम है उसकी दृष्टि से किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इनमें मैंने तमाम उन बिंदुओं को ध्यान रखा है जो सवाल आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। उन सारे बिंदुओं को समाहित करके मैंने ये सीरीज आपके लिए तैयार की है। इसमें बहुत सारे के पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे जिनसे सीधा सीधा सवाल आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, कई ऐसे आपको क्वेश्चंस नए भी इनमें शामिल मिलेंगे जो बिंदुवार इसी में मैंने शामिल कर दिए हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आज पार्ट वन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, भाग एक जो है, ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद एक यानी आर्टिकल वन से स्टार्ट होता है और आर्टिकल वन से लेकर के आर्टिकल आपके फोर तक इसका वर्णन है, यानी अनुच्छेद एक से लेकर चार तक संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में भारतीय संविधान में वर्णित है। जो आर्टिकल वन है, अनुच्छेद एक है, अनुच्छेद एक संघ के नाम एवं इसके राज्य क्षेत्र की व्याख्या करता है। संघ का नाम एवं इसका राज्य क्षेत्र, संघ का नाम ये कहता है आर्टिकल फर्स्ट कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इससे पहले मैंने बताया था आपको लेक्चर में। यानी संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है कि कौन कौन से राज्य क्षेत्र इसमें शामिल होंगे, अनुसूची जो आपकी वर्णन है अनुसूचियों में, ठीक है, खासकर अनुसूची दो से संबंधित वो जितने भी क्षेत्र आते हैं वो सब संघ के आपके राज्य क्षेत्र के अंदर जो है अंतर्गत समाहित होंगे। संघ का नाम क्या है, भारत यानी इंडिया है, ठीक है। साफ तौर पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। वही चीज दूसरी हम बात करें, सीधा सीधा अनुच्छेद एक से सवाल पूछा गया है कि भारत के राज्य संघ के नाम के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णित है। वही बात करें अनुच्छेद दो की, अगर बहुत ध्यान से समझिएगा कि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट अब पूछ रहा है। अनुच्छेद दो से अगर हम बात करें तो अनुच्छेद दो में यह वर्णित है कि जो हमारा राज्य क्षेत्र है यानी संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र है, इसमें अगर नए राज्यों की स्थापना करना है, ठीक है, नए राज्यों की स्थापना करनी है, नए राज्यों की स्थापना करनी है या नए राज्यों को शामिल करना है, एवं नए राज्यों को शामिल करना, यह सारा काम किसका है, भारतीय संसद का है। संसद को यह पावर दी गई है कि अगर कोई नया राज्य, वो मान लीजिए भूमि अर्जन के द्वारा कोई नया राज्य अधिग्रहित होता है तो उससे संबंधित कैसे क्या प्रोसीजर होने हैं, कौन सी विधियां होनी, कौन सा संविधान संशोधन होना है, वो सब कुछ देखता है अनुच्छेद आपका दो। तो अनुच्छेद दो नए राज्यों की स्थापना एवं नए राज्यों को शामिल करने से रिलेटेड है, यानी इसमें नए राज्य अगर कोई भूमि अर्जन के द्वारा या कई ऐसी चीजें हैं हमारे पास, मान लीजिए अदला बदली के द्वारा होता है तो उनको कैसे भारतीय राज्य में शामिल किया जाएगा। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि पार्ट वन जो है ये पार्ट वन आपका टू से भी रिलेटेड है, क्योंकि भाग दो में जो है किसकी बात की गई है, भाग दो में नागरिकता संबंधित सारे प्रावधान किए गए हैं। तो भारत में चूंकि सिंगल नागरिकता चलती है तो वही निवासी जो भारत के निवासी होंगे वही भारत के नागरिक होंगे, तो एक और दो का बहुत गहरा आपस में रिलेशन भी है। वही चीज आर्टिकल थ्री से संबंधित बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। अनुच्छेद तीन आपका कहता है कि नए राज्यों की स्थापना अगर करनी है, ठीक है, इसमें जो आपके नए राज्य हैं उनकी जो है वर्तमान राज्य हैं, वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन, वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन यानी उनके क्षेत्र में बदलाव करना है अगर, ठीक है। और दूसरी चीज अगर इनके नामों को भी बदलना है, अगर इनके नाम को भी बदलना है, नामों को बदलना है, तब भी ये सारी पावर किसको मिली है, संसद को मिली है। सीधा सीधा सवाल कई बार पूछा है कि वर्तमान राज्य अगर कोई मौजूदा राज्य है और उसके नाम में परिवर्तन करना है तो वो उसकी पावर किसको है, संसद को है। चौथी अनुसूची में इन्हीं सारी संबंधित बातें की गई हैं कि अनुच्छेद दो और अनुच्छेद तीन में जो बातें कही गई हैं उनका नियमन कैसे होगा, उनको लागू किया जाना कैसा होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के बारे में हमने बात कर ली, वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन, उसके नामों में परिवर्तन, ठीक है। इसमें कई ऐसी चीजें हो सकती है, वर्तमान राज्यों की सीमा में अगर हम परिवर्तन की बात करें तो
तो संसद यह कह सकती है कि जैसे दो राज्य हैं, दोनों राज्यों के एक राज्य से किसी जिले को लेकर दूसरे राज्य में कर दे, या वहीं से कुछ क्षेत्रों को काट के नया क्षेत्र बना सकती है, यानी वर्तमान राज्य के क्षेत्र की सीमा को घटा सकती है। कोई वर्तमान राज्य है उससे किसी दूसरे राज्य से कुछ जिलों को दूसरे राज्य में शामिल कर सकती है, यानी किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है और उस राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। यानी चार आपके बिंदु ऐसे निकल के आते हैं अनुच्छेद 4-3 से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग अलग क्वेश्चंस के लिए, जो है एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन के तौर पर बनते हैं। तो एक से चार के बारे में बात कर ली, अब मैं कवर करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका जिक्र आपसे बार बार होता है और उनसे संबंधित सवाल लगातार आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूं आपसे उस बारे में, जैसे संघ एवं राज्य क्षेत्र जब भारत आजाद हुआ तभी तो एक हमें इसको परिभाषित करने की जरूरत पड़ी हमारे संविधान में, जो मैंने अभी जो है इससे पहले सीरीज में बताया कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को क्या घोषित करता है, भारत राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 जो अभी आप पढ़ रहे हैं इसी में ये घोषित हुआ है। तो जब भारत आजाद हुआ और आजादी हमें मिली थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस अधिनियम के द्वारा हुआ क्या क्या था, इन बिंदुओं पर मैं कुछ प्रकाश डालता हूं। इन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, भारत का विभाजन दो स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र में हो गया, स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र बनाए गए दो। संप्रभु का मतलब कि वो अब किसी के कॉलोनियल शासन के अंतर्गत नहीं थे, वो किसी के औपनिवेशिक जो है शासन के अंतर्गत नहीं थे, वो स्वतंत्र थे जैसे चाहे वैसे अपने देश की सत्ता को चलाने के लिए। तो दो नए आपके राज्यों का उदय हुआ, एक आपका भारत था ही था, दूसरा एक नया मुल्क बना जिसका नाम था पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र आपके नए राज्य के तौर पर उभरे और ये उभरे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। वही चीज, दूसरी बात, भारत और पाकिस्तान बने तो उस समय हमारे यहां देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, 600 थी, 600 देशी रियासतें थी। ये 600 देशी रियासतें जो थी इनमें से आपकी 48 दोनों लिखा मिलता है, तो 48 ऑथेंटिक है, आयोग इसी को मानता है, 48 देशी रियासतें आपकी पाकिस्तान को दी गई और उसके बाद जितना बाकी बचा था, ठीक है, 552 देशी रियासतें, बहुत ध्यान से इस बिंदु को देखना, सवाल पूछा है इससे, 552 देशी रियासतें जो थी ये भारत में रह गई। अब 552 जो देशी रियासतें थी इनमें से देशी रियासतों को यह एक आजादी दी गई थी इस स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, उनके सामने, देशी रियासतों के सामने एक विकल्प छोड़ा गया था, जो 600 देशी रियासतें थी और जो जिसकी सीमा में आई, पाकिस्तान की सीमा में 48 चली गई, बाकी 552 जो भारत की सीमा में थी इनको ये आजादी दी गई कि वो चाहे तो, यानी देशी रियासतों के लिए सिर्फ 3 विकल्प आपके खुले थे इनके सामने। वो विकल्प ये थे कि पहला विकल्प ये था कि वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं, यानी देशी रियासतें एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर शासन कर सकती थी, स्वतंत्र रह सकती थी। दूसरा यह बिंदु रखा गया इनके सामने कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं, और तीसरा यह बिंदु था कि वो चाहे तो वो पाकिस्तान में चली जाएं। तो इन 3 बिंदुओं में जो 3 आपके विकल्प दिए थे देशी रियासतों के लिए, इन रियासतों में 549 देशी रियासतें ऐसी थी, 549 देशी रियासतों की रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में अपना विलय कर लिया, ठीक है, 549 देशी रियासतों ने भारत में अपना विलय कर लिया। बाकी बचती हैं आपकी 3 ऐसी देशी रियासतें जिन्होंने भारत में विलय नहीं किया, 3 रियासतों ने, इनसे संबंधित सवाल बार बार पूछे गए, 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने विलय भारत में नहीं किया, ये अपने आप को स्वतंत्र तौर पर घोषित करना चाह रही थी, विलय भारत में नहीं हुआ। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, वो कौन कौन सी थी, पहली आपकी रियासत थी हैदराबाद की, हैदराबाद की देशरी जो रियासत थी यह भारत में शामिल होने से मना कर दी थी। दूसरी रियासत थी आपकी जूनागढ़ की, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। और तीसरी रियासत थी आपकी जम्मू और कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की, इसने भी भारत में शामिल करने जो है होने से मना कर दिया था। तो यह पूछता है कौन सी ऐसी 3 देशी रियासतें थी, या कौन सी ऐसी देशी रियासतें थी जिन्होंने भारत में शामिल मना कर दिया था 1947 में, तो हैदराबाद की रियासत,
दूसरी आपकी जूनागढ़ की रियासत है और तीसरी रियासत जम्मू और कश्मीर की है। तो हैदराबाद की रियासत पर जो है पुलिस की कार्रवाई के द्वारा इसको शामिल किया गया, पुलिस कार्रवाई द्वारा इसको भारतीय संघ में शामिल किया गया, और जूनागढ़ की जो रियासत थी इसको जनमत संग्रह के आधार पर सम्मिलित किया गया था भारतीय जो है संघ में, जनमत संग्रह के आधार पर इसको भारतीय संघ में मिलाया गया। और तीसरी जो आपकी रियासत थी जम्मू और कश्मीर की, इस पर जब पाकिस्तान ने अटैक किया था तो वहां के राजा हरि सिंह ने यहां के प्रधानमंत्री से क्या किया था, विलय पत्र पर एक जो है समझौता किया, और इसके द्वारा विलय पत्र के द्वारा जम्मू और कश्मीर को जो है भारत में शामिल कर लिया गया। विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, और जम्मू और कश्मीर की रियासत को जो है विलय पत्र के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, जब ये शामिल हो गई, स्वतंत्रता अधिनियम आ गया, सब कुछ हमारे पास क्लियर था, तो उस समय 1947 में जो हमारी कंडीशन थी भारत में, वो भारत में, क्योंकि मैंने आपको देसी रियासत जो है संविधान सभा के बारे में पढ़ाया, उसमें बताया कि सीटों का बंटवारा कैसे कैसे हुआ था, ठीक है, तो उनमें से उस समय मौजूदा हमारे पास अगर देखा जाए तो 29 एक तरीके से राज्य तब भी थे जैसा कि वर्तमान में है, तो उस समय उनकी संख्या भी 29 थी। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि चार प्रकार के राज्य आपके बनाए गए थे, चार प्रकार से इनको जो है विभाजित किया गया था उस समय, और चार प्रकार से इनके विभाजित करने का उद्देश्य जो था, ठीक है, उस समय जो उद्देश्य था ए बी सी डी करके बनाए गए थे, ए बी सी डी, उसमें ए में 9 राज्य आपके शामिल थे, बी में भी आपके 9 राज्य शामिल थे, सी में 10 राज्य शामिल थे, और जो आपका डी था केवल एक आपका राज्य शामिल था जो था आपका केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा, अंडमान एवं निकोबार का पूरा, ठीक है, इसको पूरा का पूरा एक अलग से दर्जा दिया गया था, चौथे टाइप से इसको पूरा अलग रखा गया था यहां पर, ठीक है, ये केंद्र शासित राज्य के तौर पर आपका पहले से ही अलग था। बाकी अब मैं बात करूं कि जो आपका पार्ट वन है यानी ए जिसमें 9 राज्य केवल शामिल थे, इन 9 राज्यों में अगर देखूं कि ये 9 राज्य ऐसे थे जहां पर ब्रिटिश गवर्नर का शासन होता था, ब्रिटिश के गवर्नर जहां पर शासन करते थे, उनको आपका भाग ए के तहत शामिल किया गया था। भाग बी में 9 ऐसे राज्य शामिल हुए थे जहां पर उनके जो पूर्व राजकुमार थे यानी वहां के जो रियासतें, इन 9 राज्य जो राज्य थे यहां पर शासक जो थे, ठीक है, शासक के साथ साथ विधानमंडल मौजूद था, शासक के साथ साथ विधानमंडल था, और इस विधानमंडल का एक तरीके से जो मुखिया था वो कोई पूर्व आपका युवराज ही था, पूर्व राजकुमार को ही उसका मुखिया बनाया गया था 9 राज्यों में। बाकी ये जो 10 राज्य थे, इन 10 राज्यों को जो है ब्रिटिश कमिश्नरी के क्षेत्र थे, ये ब्रिटिश कमिश्नरी के क्षेत्र थे जहां पर ब्रिटिश के कमिश्नर होते थे, उनके अंतर्गत आपके 10 राज्य आते थे, तो उन 10 राज्यों के लिए जो है भाग सी चुना गया था, और भाग डी में केवल एक राज्य आता था, अंडमान एवं निकोबार। तो ये चार तरीके के राज्य उस समय बने, और चार तरीकों के राज्यों के बाद आज हमें वर्तमान जो कंडीशन दिखाई पड़ती है कि हमारे समक्ष 29 राज्य हैं एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, प्लस उसके साथ ही साथ एक आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपका दिल्ली भी शामिल है, ठीक है, 29 राज्य और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे लेकिन दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। तो आखिर यह सब हुआ कैसे, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन पर अगर हम बात करें तो बात है आपकी, सबसे पहले अगर हम देखें अपने यहां भारत, चूंकि अंग्रेज जब शासन कर रहे थे हमारे ऊपर, तो अंग्रेजों ने अपने प्रशासन की दृष्टि से वो ये देखे कि हमारा प्रशासन कैसे बेहतर हो सकता है, और भारत को उसी अनुरूप वो डिवाइड करते चले गए, तमाम अलग अलग तरीके के नाम देते चले गए, इसीलिए संसद को ये पावर दी गई कि आप नामों को परिवर्तित करें अनुच्छेद 3 विशेष तौर पर इसी के लिए, क्योंकि उन्होंने जैसे आप पढ़ते हैं मध्य देश, ठीक है, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत, ये सब जैसे पूरे के पूरे बने थे तो इनका नाम परिवर्तित बाद में किया गया, ठीक है। तो संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र में सबसे बड़ी ये समस्या आई कि जब चार तरीके के राज्यों का उदय हुआ तो चार तरीके के ये जो राज्य थे जिनमें अलग अलग इनकी सारी पावर्स दी हुई थी एक तरीके से, तो कुछ कंडीशंस आपकी ऐसी बनी जिनके द्वारा
एक ऐसी मांग चलने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन हो, राज्यों का पुनर्गठन की मांग भाषाई आधार को लेकर हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने, मैंने बताया, प्रशासन की दृष्टि से उन्होंने राज्य बनाया था, और प्रशासन की दृष्टि से जो राज्य बने उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि भारत इतना विविधतापूर्ण है, यहां पर रहने वाले लोगों की बोलियों में इतनी विविधता है कि शासन करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि वो औपनिवेशिक तौर पर शासन कर रहे थे और उन्हें लोगों के इस बात से कोई परहेज ना थी। तो धीरे धीरे क्या हुई, अगर हम इसका एक इतिहास देखें राज्यों के पुनर्गठन का, राज्यों के पुनर्गठन या राज्यों का पुनर्गठन, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, रीस्टेबलाइजमेंट ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन। तो अपने यहां राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग चली, यह मांग चल रही थी जैसे ही आजादी मिली, तो आजादी क्या, आजादी से बहुत पहले से ही अगर हम देखें इतिहास इसका, तो राज्यों के पुनर्गठन के अगर बारे में बात करें, 1917 की बात है, 1917 आपका बहुत पहले का टाइम था आजादी से, 1917 में कांग्रेस ने जो है अपने जितने भी जिला स्तर की इकाइयां होती हैं उनको भाषाई आधार पर गठित करने का इसने निर्णय लिया था, 1917 में बात है। 1917 के बाद आपका कांग्रेस का एक अधिवेशन भी इसमें हुआ है, जिसमें इसने बाकायदा घोषणा पत्र में इस चीज को शामिल किया था कि भाषाई आधार पर राज्यों में जो कांग्रेस की इकाइयां हैं उन इकाइयों का जो है संगठन किया जाए, उनका गठन किया जाए। तो कांग्रेस 1917 में इस चीज को शुरुआत कर चुकी थी। वही चीज अगर हम दूसरा देखें, 1917 के बाद 1936 की एक घटना है, ठीक है, यह सवाल पूछा गया है, 1936 की वो घटना है जब ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने क्या किया, भाषाई आधार पर एक राज्य का गठन किया था और इसका नाम उस समय रखा गया था उड़ीसा। उड़ीसा सबसे पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला आपका राज्य है, जो 1936 में ही बना था जब अंग्रेजों का शासन हम पर था। इसके बाद धीरे धीरे 1947 में जब बहुत सारी मांग चलने लगी, तो यह महसूस किया जाने लगा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, और इसी के चलते 1948 में एक आयोग का गठन हुआ। 1948 की बात है, 1948 में एक आयोग बना जिसको आप धर आयोग के नाम से जानते हैं। धर आयोग बना था कि आप भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए या नहीं। धर आयोग के अध्यक्ष एसके धर थे, एसके धर की अध्यक्षता में यह बना आयोग। इसने अपनी जब रिपोर्ट सौंपी तो रिपोर्ट में इसने साफ तौर पर मना किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा, इसने यह सुझाया था कि प्रशासनिक दृष्टि से उन पर शासन के लिए राज्यों का क्या किया जाए, पुनर्गठन किया जाए। अब जब यह रिपोर्ट 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में आई, तो उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस ने अपने जयपुर के एक अधिवेशन में एक कमेटी का गठन किया। कांग्रेस ने जयपुर के अधिवेशन में एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का नाम था आपका जेबीपी। ठीक है, जेबीपी, इसमें जो कमेटी थी इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। ठीक है, इसमें शामिल थे, इन तीनों लोगों का काम था कि ये जो संस्तुति इसने धर आयोग ने मना कर दिया है, इस पर ये उच्च स्तरीय जो है भाषाई एक तरीके से आयोग बना था जिसको जेबीपी समिति के नाम से जाना जाता है। बाद में इसने अपनी सारी चीजों को देखा कि किस मामले पर किन अड़चनों को लेकर एसके धर की अध्यक्षता वाली आयोग ने इस बात को मना किया था। धीरे धीरे कांग्रेस इन मुद्दों पर आगे बढ़ने लगी। 1948 के बाद काफी समय बीत गया था, तब तक भाषाई आधार जो है आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत बढ़ चुकी थी। बात है 1953 की, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुल्लू। पोट्टी श्रीरामुल्लू गांधी जी के साथ थे, इन्होंने नमक सत्याग्रह में भी एक अच्छा वर्क किया था गांधी जी के साथ। ठीक है, ये कांग्रेस के ही सदस्य थे, इन्होंने आमरण अनशन चालू किया। ठीक, और जो है 1953 में आंध्र प्रदेश के गठन की ये मांग कर रहे थे कि तेलुगु भाषियों को मद्रास से अलग करके एक नया राज्य शामिल किया जाए जो आंध्र प्रदेश और पूर्णतया तेलुगु भाषी हो। इनकी मृत्यु हो गई तो सरकार मजबूर हो गई, सरकार मजबूर हुई तो 1953 में ही भाषाई आधार पर एक प्रथम आपके राज्य की घोषणा हो गई, प्रथम राज्य की घोषणा हुई, और वह राज्य आपका बना कौन, इसके गठन की घोषणा हुई थी
आंध्र प्रदेश नाम से, ठीक है, आंध्र प्रदेश नाम से एक राज्य की घोषणा हुई। इसमें जो है मद्रास से 16 तेलुगु भाषी जिलों को काटा गया और आंध्र जो एक तरीके से तटीय राज्य था उसको और रॉयल सीमा इन तीन को मिला करके एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। इसमें 16 जो है आपके तेलुगु भाषी जिले शामिल थे। तो 1953 में सरकार हो गई मजबूर, 1953 में जब सरकार मजबूर हो गई तो इसने एक त्रिस्तरीय एक त्रिसदस्यीय आयोग बनाया जिसका सिर्फ काम था भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की रिपोर्ट देना। और इसमें धीरे धीरे कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे वर्ग आते रहे, यानी उस समय जो देश का आपका शासन चल रहा था उसमें हम बात करें तो 1953 की बात है। 1953 में जब कांग्रेस जो है सरकार मजबूर हो गई तो 1953 में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन हुआ। 1953 में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन हुआ और इस तीन सदस्यीय समिति का यह मुख्य रूप से कार्य था, तीन सदस्यीय समिति थी, इसका मुख्य रूप से कार्य था कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कहां तक जायज है इन सारी चीजों को देखना। और पूरे देश में घूम घूम कर उन लोगों ने अलग अलग राज्यों की जहां जहां मांग चल रही थी, हालांकि आज भी आपकी वास्तविकता ऐसी है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कई आपके ऐसे प्रदेश हैं जहां पर अब भी चल रही है। तो 1953 में तीन सदस्यीय आयोग बना। इस तीन सदस्यीय आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है, 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में इसने यह सुझाया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो सकता है लेकिन यह दृष्टिगत होना चाहिए कि उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका हो, प्रशासनिक जो है स्तर पर प्रशासन करने की दृष्टि से उनका पुनर्गठन होना चाहिए। और तमाम ऐसी रिकमेंडेशन इसने दी थी और इसका हाँ तीन सदस्यीय जो आयोग था इसको फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है, फजल अली आयोग, इसके फजल अली अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में यह आयोग बना था, ठीक है। तो इसने 1955 में रिपोर्ट अपनी दी, उस रिपोर्ट की सारी रिकमेंडेशंस को माना गया, अनुशंसाएं जो जो थी उसको माना गया और फिर इसी के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पारित हुआ। संसद के द्वारा एक पुनर्गठन आयोग पारित हुआ जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। अब इसमें राज्य पुनर्गठन जब आयोग आया तो उस समय भारत में 14 राज्यों में 7 केंद्र शासित प्रदेश बने, ठीक है। यह सवाल पूछता है कि 1956 में 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो भारत में कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इस समय भारत में राज्यों की संख्या 14 थी और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या आपकी थी 7। केंद्र शासित प्रदेश आपके 7 थे, जैसा आप वर्तमान दृश्य देखते हैं ऐसा नहीं था, बहुत सारे ऐसे थे जिनको आज पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा चुका है। तो 1956 में राज्यों के पुनर्गठन संबंधित मांग उठी, जो है एक प्रस्ताव पारित हुआ, संशोधन पारित हुआ और इस संशोधन के द्वारा 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आपको 1956 के बाद कई आपके ऐसे स्टेट्स हैं, क्योंकि आज राज्यों की संख्या आपकी कितनी है, 29 राज्यों की संख्या है, 29 राज्य वर्तमान में मौजूद हैं और दूसरी चीज 6 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं, केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं और एक आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको आप NCR के तौर पर जानते हैं ये मौजूद है, यानी दिल्ली। इनका गठन 14 राज्यों के बाद कहां से कहां तक हुआ है, इनसे संबंधित सवाल कभी कभार पूछता है, बाकी जितने सवाल पूछ रहा था वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। इनसे संबंधित 29 राज्यों में यानी 14 के बाद 15 से लेकर 29 तक मैंने नोट्स में दे रखा है, नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी है, आप वहां क्लिक करके जाइए नोट्स वहां से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी कोई अन्य इस पर अगर आपको संशय है तो संशय के लिए आप कमेंट करें और दूसरी चीज जो भी लेक्चर्स आप देख रहे हैं उन पर कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें, अपने दोस्तों के को ज्यादा से ज्यादा यह शेयर करें। और कई जो है अभी कमेंट YouTube पर आ रहे हैं लेक्चर्स पर कि उन्हें लेक्चर्स जो है मिल नहीं रहे हैं, तो इसके लिए आप
चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जो दिख रहा है उसको पोस्ट कर दें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपडेट होता है तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको YouTube पर तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं रमन मिश्रा, स्वागत है आपका परीक्षा प्लस पर। दोस्तों अब हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं भाग दो की। भारतीय संविधान के भाग दो में नागरिकता का उपबंध किया गया है, यानी नागरिकता से संबंधित जितने सवाल होते हैं वो भारतीय संविधान के भाग दो के अंतर्गत आते हैं। इनमें तमाम वो पावर संसद को दी गई है जिनके द्वारा नागरिकता के संबंधित वो विधियां बनाती है। इसका अगर हम बात करें भारतीय संविधान में भाग दो के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी सारे प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किसका प्रावधान है ये याद रखिएगा, कई बार पूछा है और ये तो आपका पूछा ही पूछा है कि किस जो है भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो भाग दो में भारत के नागरिकों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसका वर्णन है। तीसरी चीज यह है कि जो अपने यहां नागरिकता का प्रावधान है, अपने यहां नागरिकता का प्रावधान एकल नागरिकता है, यानी अपने जितने राज्य हैं 29 राज्य हैं, 6 आपके यूनियन टेरिटरी हैं, 1 एनसीआर है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हम किस प्रदेश के निवासी हैं। हमें सिर्फ एक चीज आती है कि हम भारत के निवासी हैं, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता कहां से हमने भारतीय जो है देश के संविधान में शामिल की, तो ब्रिटेन से हमने नागरिकता को, एकल नागरिकता को कहां से लिया गया, ब्रिटेन से शामिल किया गया है, यह भी सवाल पूछता है। ये ब्रिटेन से शामिल है भारतीय संविधान में। अमेरिका से बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, वहां चूंकि अमेरिका क्या है, एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है, यानी वो राज्यों का एक तरीके से संयुक्त होकर मिला है, राज्यों का एक तरीके से क्या है, सभी में एक आपस में एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हैं कि कुछ शर्तों के अधीन उनका गठबंधन एक तरीके से है, ठीक है। अमेरिका के झंडे पर आपके 50 तारे बने होते हैं, यानी वो दर्शाते हैं कि ये जो 50 स्टार है वहां पर मौजूद 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। भारत में अगर बात करें तो ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान किया। अमेरिका जैसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति वहां पर, पता चलता है कि कई ऐसे लोग रहते हैं जो अमेरिका के किसी राज्य के निवासी है लेकिन वो अमेरिका के निवासी नहीं होते हैं, अमेरिका की नागरिकता उन्हें नहीं मिली होती। अपने यहां आप किसी भी राज्य के निवासी हैं लेकिन राज्य आपको कोई भी पर्टिकुलर आइडेंटिटी कार्ड नहीं इशू करता है कि आप हमारे राज्य के हैं, आपको भारत देश का एक जो है जिसको आप निर्वाचन कार्ड के तौर पर जानते हैं वो आपको प्रूफ करता है कि आप भारत देश के निवासी हैं, ठीक है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से, ब्रिटेन से लिया गया, अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन है। अन्य चीजों की अगर मैं बात करूं नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन है। दूसरी चीज, हमें कौन कौन से कैसे कैसे इनसे सवाल पूछे गए, अगर इस विषय में आपसे बात करूं, ठीक है, तो इसमें जो सवाल पूछे गए हैं, नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है, आखिर भारतीय संविधान में जो उपबंध है नागरिकता के प्राप्त करने के प्रकार, यह सवाल पूछा गया है। तो नागरिकता हमें 5 प्रकार से मिल सकती है, नागरिकता प्राप्त करने के हमारे पास 5 तरीके हैं। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं उनको मैं लिख दे रहा हूं। 5 तरीके, पहला आपका है कि जन्म से नागरिकता आपको भारत में मिलती है, यानी अगर हमारे मां बाप यहीं के रहने वाले हैं, जाहिर सी बात है हमारा जन्म यहीं हुआ है, तो हमें भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी, जन्म से हमें नागरिकता मिल जाएगी। दूसरी चीज, इसमें वंश परंपरा से नागरिकता का प्रावधान है, वंश परंपरा से, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके दादा परदादा भारत में रहते थे, अब वो व्यक्ति क्या हो गया, कहीं अन्य देशों में रह रहा है, तो उसको भी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। तीसरी जो बात है, ठीक है, तीसरी बात एक ऐसी है कि जब कोई भारत का राज्य क्षेत्र अधिग्रहित कर ले भारत, तो उनके नागरिकों को नागरिकता देने का प्रावधान है, ठीक है। चौथी अगर पॉइंट बात करें, आप रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के माध्यम से भी नागरिकता हासिल कर सकते हैं, पंजीकरण द्वारा नागरिकता आपको मिल सकती है। पांचवा जो प्रकार है, यह देशीकरण से नागरिकता मिलती है, देशीयकरण से, या इसको बोल सकते हैं हम प्राकृतिक रूप से। वंश परंपरा मैंने डिस्कस कर लिया कि वंश परंपरा यानी अगर आपके दादा परदादा भारत में रह रहे थे, भारत के निवासी थे, तो आप अगर भारत की जो है
चाहते हैं कि भारत में हमें नागरिकता मिल जाए तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और भारत की नागरिकता पा सकते हैं। अगर भारत किसी नए राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण करता है तो उसके द्वारा भी जिन राज्य क्षेत्र का हम अधिग्रहण करेंगे यानी भारत देश अधिग्रहण करेगा उनके नागरिकों को भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। अगली चीज है पंजीकरण द्वारा, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति है अगर वो विदेशी नागरिक है और भारत की नागरिकता चाहता है तो भारत की नागरिकता के लिए उसको पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो है नागरिकता मिलती है। लेकिन इसके लिए पंजीकरण के लिए आपको 7 वर्ष लगातार भारत में रहना पड़ेगा। भारत में 7 वर्ष आप रह लीजिए फिर रजिस्ट्रेशन करिए फिर आपकी नागरिकता पर भारत सरकार विचार करेगी। अगली बात करें देशीकरण की, इसको प्राकृतिक रूप से भी नागरिकता बोलते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति अगर विदेशी है और वो भारत की नागरिकता हासिल करना चाह रहा भले ही उसके पूर्वज भारत से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता कैसे हासिल हो उसके लिए इसका प्रावधान किया गया था कि आप नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से भी नागरिकता पा सकते हैं। और वो प्रोसेस क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष तक लगातार भारत में रहा तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है अगर वो लगातार भारत में 10 वर्ष तक रहा हो। अगली चीज इसमें नागरिकता पाने के तो 5 प्रकार हो गए, नागरिकता आप खोएंगे कैसे इसके भी प्रकार जानना जरूरी है, नागरिकता आप से भारत की नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है इसके 3 कारण आपके बताए गए, नागरिकता समाप्त कैसे होगी होने के कारण 3 कारण अपने यहां मौजूद हैं। कौन कौन से, आप स्वैच्छिक त्याग कर सकते हैं नागरिकता का भारतीय नागरिकता अगर आप चाहें तो आप स्वैच्छिक त्याग कर सकते हैं कि अब मैं भारत का नागरिक नहीं किसी दूसरे देश का नागरिक बनना चाहता हूं। दूसरी बात अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता शामिल कर ली, किसी अन्य देश की नागरिकता अगर आपने स्वीकार कर ली तो भारत की नागरिकता अपने आप कैंसिल हो जाती है यानी आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। जैसे ही आप किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करते हैं उसी समय से तत्काल। तीसरा है अगर भारत सरकार हो सरकार ही आपको वंचित कर दे, भारत सरकार द्वारा वंचित करने पर भारत सरकार भी आपको नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। किन मामलों में, मान लीजिए आप किसी दूसरे देश के निवासी थे और आपने भारत में नागरिकता फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए प्राप्त कर ली तो आपको भारत सरकार को जब यह पता चलेगा कि ये व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत का नागरिक बना है तो वहां पर कार्रवाई करके आपको भारत की नागरिकता से वंचित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आपने युद्ध काल के दौरान शत्रु देश की मदद कर दी, ठीक है, शत्रु देश जिसके साथ हमारा युद्ध हो रहा है और आपने उसकी मदद की तब भी आपकी नागरिकता अगर भारत सरकार चाहती है तो आपको भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। तीसरा पॉइंट भारतीय नागरिकता में तीसरा पॉइंट अगर देखें वो ये है कि अगर आप भारतीय संविधान के प्रति अनादर जता रहे हैं, अनादर दिखा रहे हैं यानी भारतीय संविधान का आदर नहीं कर रहे तब भी भारत सरकार अगर चाहे तो आपकी नागरिकता को आपसे छीन सकती है। ये 3 के 3 ऐसे पॉइंट बनते हैं कि जिनके द्वारा भारत सरकार अगर आपको चाहे तो नागरिकता से वंचित कर सकती है। एक सवाल यहां से पूछा गया है, ठीक है, कि भारत से जो है व्यक्ति जो पाकिस्तान में जाते, अभी 2015 में जो नागरिकता संविधान संशोधन विधेयक आया है उसके जरिए केवल दो देश, एक तो आपका पाकिस्तान है और दूसरा आपका मुल्क है बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के निवासियों को छोड़कर विश्व का अन्य कोई भी देश का निवासी है तो वो भारत से दोहरी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के नागरिकों को छोड़कर विश्व का कोई भी अन्य देश है उसके नागरिक अगर भारत की दोहरी नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो भारत सरकार ने उसके जो है बाकायदा प्रावधान शामिल कर दिए हैं। अच्छा, ये तो तमाम चीजें हो गई, बात मैंने कर ली आपसे। अभी अनुच्छेद से संबंधित एक सवाल पूछता है कि जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 11 अनुच्छेद जो आपका 11 है इससे संबंधित कई बार सवाल पूछा है। अनुच्छेद 11 में जो है संसद को नागरिकता संबंधी विधियां बनाने की पावर दी गई है। अनुच्छेद 11 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो नागरिकता संबंधी विधियों को बना सके। बाकी जो इसके 5, 6, 7, 8 हैं, 9 हैं, वो मैंने नोट्स में आपको लिख रखे हैं, आप वहां से देखकर उनको
समझ सकते हैं कि कौन सी विधि किसके लिए जरूरी है। मैं उन्हीं पॉइंट्स का डिस्कस कर रहा हूं आपसे क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, इनमें हमें उन चीजों का एक बार रिवीजन करते हुए चलना है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात, मैं दोहरी नागरिकता बार बार आपसे बात कर रहा हूं, क्या भारत में भी ऐसा राज्य है कोई जिसकी दोहरी नागरिकता है? दिमाग में एक बार घुमाइए पूरे राज्यों को। हां, जवाब आपको हां मिलेगा और वो आपका राज्य है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के जो नागरिक हैं इनको भारत के साथ साथ वहां की नागरिकता भी मिलती है, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को 370 के तहत स्पेशल स्टेटस का दर्जा मालूम है। अन्य देश का कोई भी अन्य राज्य का कोई भी नागरिक अगर चाहे तो जम्मू कश्मीर में जाकर बस नहीं सकता, वहां जमीन नहीं खरीद सकता, ऐसे वहां के तमाम प्रावधान है जो जम्मू कश्मीर में जो है वहां की रियासत के द्वारा लागू होते हैं, यानी वहां के विधानमंडल के द्वारा लागू किए गए हैं। विलय पत्र की बहुत सारी ऐसी शर्तें रहे तो जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत के केवल एक राज्य में है और वह राज्य आपका है क्या? जम्मू और कश्मीर। तो ये जितने एग्जाम ओरिएंटेड आपके क्वेश्चंस रहे जो इनसे लगातार पूछे गए हैं मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब मैं इसके बाद जो अगला पॉइंट होगा वो आपका होगा पार्ट थ्री, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका नाम है आपको फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। इनसे संबंधित जो भी आपको बिंदु लगते हैं, जहां पर समझ में नहीं आया आप कमेंट करिए, कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा तत्काल। और दोस्तों दूसरी चीज, आपको लेक्चर्स किस हिसाब से मदद दे रहे इसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताते रहें। दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा अपनी इस चैनल के बारे में जानकारी पहुंचाते रहें कि ये किस तरीके से आपकी परीक्षा में मददगार हो सकता है, कैसे आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं, और हमारी टीम के जो भी प्रयास हो रहे हैं उसके लिए आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। धन्यवाद।